आपका क्वेश्चन है इन फिगर ए ई बाइसेक्ट्स एंगल सी ए डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव दैट ए ई इज पैरेलल टू बी सी। ये आपका फिगर है। पहले इसने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। इसने कहा ए ई बाइसेक्ट्स एंगल सी ए डी, तो हमारा सी ए डी कहां पर है? ये सी ए डी, ये वाला है टोटल दिशा, ठीक है। इसने कहा ए ई बाइसेक्ट सी ए डी, दैट मीन्स इस टोटल एंगल को बाइसेक्ट किया ए ई ने, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अगर हमारा इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल सी ए डी बाई टू, और ये भी हमारा सेम हो गया एंगल सी ए डी बाई टू, है ना। टोटल एंगल का बाइसेक्ट कर दिया मतलब हाफ कर दिया, तो एंगल्स आपके आधे आधे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, और इसने क्या कहा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सेम एंगल्स, ठीक है। प्रूव दैट ए ई इज पैरेलल टू डी सी, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए ई, दैट मीन्स ये वाली लाइन इज पैरेलल टू डी सी, दिस लाइन, ठीक है, हो गया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम जो इसने हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं, दैट इज बी एंड सी इज इक्वल, सेम चीज हम लिखते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और यू कैन से दीस आर द टू बीज और टू सी, ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं, अल्टरनेट कैसे भी कर लो, ये भी सी है ये भी बी है, ठीक है। नाउ ये जो एंगल है वो क्या है, अब तीनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नाउ ये तो हमारा हो गया एक ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, तो हम यहां लिख लेते हैं ट्राइंगल इज ए बी एंड सी। नाउ और हमने क्या किया है, बी ए को एक्सटेंड किया अप टू डी, बी ए एक्सटेंड अप टू डी, पहले से ही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा बी ए सी, इट फॉर्म्स अ एक्सटीरियर एंगल, एंगल डी ए सी इज अ एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल है वो, अंदर नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द जो आपका एडजेसेंट है उसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स का सम, दैट मीन्स आपका हो गया एंगल डी ए सी, इट इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी,
ये एडजेसेंट एंगल है पास वाला, इसको छोड़ देना है, तो ये दोनों का सम इज योर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वही हमने यहां पर लिख दिया। नाउ बी इज इक्वल टू सी हमने यहां पे रखा है, तो अब हम बी की जगह पे सी लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सी प्लस एंगल सी, तो क्या हो गया, टू एंगल सी। तो एंगल सी क्या हो गया आपका, एंगल सी आपका हो गया एंगल डी ए सी बाई टू, डी ए सी बाई टू इज योर एंगल सी, हमने यहां पर कर रखा है सी ए डी और यू कैन से डी ए सी बाई टू। दैट मीन्स क्या हुआ आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाई दिस। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे, अगर आप देखोगे, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स। नाउ जस्ट सी, अगर आप बोलते हो ए इज द लाइन, ए एंड बी सी इज लाइन, लाइन ही है अभी, और ए सी इज द ट्रांसवर्स, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा क्या है, ये दोनों एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई टू, ये दोनों एंगल्स दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। They are the alternate interior angles. तो alternate interior angles equal किसके होते हैं, When two lines are parallel. When two lines are parallel. तो दो लाइन कौन सी है हमारी, AE is parallel to BC, hence proved. Yeah. ठीक है,